अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे पास लॉग की वैल्यू गिवन है और उसकी मदद से हमने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है लॉग ऑफ 31.09 इक्वल टू 1.4926। जब इसका कॉमन लॉग फाइंड किया गया, आफ्टर कॉमन लॉग को फाइंड करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा था वो आप लोगों के पास था 1.4926 था। अब हमने इसकी मदद से मजीद लॉग पॉइंट करने, वो डिपेंड करे कि सवाल आप लोगों के पास किस फॉर्म में आता है। हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट है, वो है लॉग ऑफ 3.109। हमें इसको पूरे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह आप लोगों के पास ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना, तो ये भी 31.09 और ये भी आप लोगों के पास 3109 है, तो मेंटीसा तो इनका सेम ही रहेगा। आप लोगों के पास मेंटीसा, आपके पास इसका भी जो है और इसका जो मेंटीसा होगा वो सेम होगा, क्योंकि नंबर आप लोगों के पास सेम है। जो फर्क आप लोगों के पास आएगा, डिफरेंस जो आप लोगों के पास आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक में। अब अगर इस नंबर को देखा जाए 3.109 और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे, तो ये ऑलरेडी आप लोग के पास साइंटिफिक नोटेशन में है, 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10^0। इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में 10 तो मौजूद था, लेकिन उसका पावर आप लोग के पास 0 था, क्योंकि ये नंबर आप लोग के पास ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। मेंटीसा तो इसका आप लोग के पास सेम रहेगा, विच इज 0.4926। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना होगा। तो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप लोग के पास है 0, तो आप लोग जब इस नंबर का लॉग पॉइंट करोगे तो वो होगा आप लोगों के पास 0.4926 ही होगा। इसी तरह एक और है हमारे पास पार्ट, और वो है लॉग ऑफ 310.9। अब यहाँ पर देखिए वही नंबर है, लेकिन अभी ये पॉइंट इधर आ गया आप लोगों के पास। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, मल्टीसा तो सेम रहेगा इसका, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि इन नंबर का मेंटीसा आप लोग के पास सेम ही, चेंज सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास इसमें जो आएगा वो आप लोग के पास होगा कैरेक्टरिस्टिक में। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, तो जब हम इस नंबर को 310.9 को हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये पॉइंट इधर मूव करेगा, तो ये बन जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाई 10^10। ओरिजिनल पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान आप लोगों ने यहाँ पर जो डिजिट जोड़े वो आप लोगों के पास थे 2, तो ये बन जाएगा 10^2। अभी आप लोग यहाँ पर देखो, इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास 2 है। इधर तो 0 था, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 2.4926। इसको हल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसने आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका भी बता चुका है, और आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज करना है कैरेक्टरिस्टिक को। मेंटीस आप लोग के पास सेम रहेगा, मेंटीस ऑलरेडी आप लोग के पास इधर सवाल में गिवन है। नेक्स्ट सवाल है आप लोग के पास, तो यहाँ देखिए वो है लॉग ऑफ 0.003109। तो नंबर तो आप लोग के पास वही है, जो चेंज आ रहा है आपके पास, चेंज आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ होगा कैरेक्टरिस्टिक में, मेंटीसा सेम रहेगा। तो हमने इस नंबर को लिखना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि हमें पता चले कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, इधर आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10^2, सो 1, 2, 3 -3। ओरिजिनल पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट आप जोड़ोगे वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आपके पास होगा -3। तो हम इधर लगा लेते हैं -3, और इसी तरह आप लोग के पास है लॉग ऑफ 0.3109। तो ये भी आप लोग के पास मेंटीसा तो सेम है 4926, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, ये बन जाएगा 0.3109 इक्वल टू, पॉइंट मूव करेगा इधर, तो ये बन जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाई 10^-1। ओरिजिनल और नए पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो 10^ में आएगा आपके पास, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक का आपके पास वो था -1, तो हम इधर लगा देते ही -1। देखिए
वही आप लोगों के पास, मेंटिसा सेम आ रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, चेंज आप लोगों के पास ओनली सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक में आ रहा है। अगर इस नंबर को देखा जाए ना, जो उसने सवाल में आपके पास गिवन दिया हुआ है, लॉग ऑफ 31.09, इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है आप लोगों के पास, ये इधर मूव करेगा, सो 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10^1 आएगा। इसकी मूवमेंट आप लोगों के पास टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड है, तो दैट्स व्हाई इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1.4926। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने सवाल को समझ दिया होगा। ये मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग तरीका सीख जाओ, मेथड सीख जाओ। अगर मेथड सीख गए तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए कॉमन लॉग को फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और कॉमन लॉग में आप लोगों के पास दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो दो चीजें आप लोगों के पास है, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है, और दूसरा आप लोगों के पास है मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ कि इंटीग्रल पार्ट आपके पास होता है, ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये आपके पास मेंटिसा कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगा, ये आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक को हम विदाउट टेबल पॉइंट करते हैं, क्योंकि कॉमन लॉग में आपको दो चीजें चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, तो ये आप लोगों के पास विदाउट टेबल पॉइंट होगा, लेकिन मेंटिसा के लिए आप लोगों ने लॉग टेबल को यूज करना जरूरी है, और लॉग टेबल की मदद से ही आप लोग मेंटिसा को फाइंड करोगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने एंटी लॉग से रिलेटेड कुछ सवाल हल करने होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।